फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम कैंपेन के ऊपर कि हम एक इंस्टाग्राम कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू। ओके, सो ये काफ़ी इजी है और इस कैंपेन से आप क्या क्या कर सकते हो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप फेसबुक एड्स मैनेजर से इंस्टाग्राम के लिए कैंपेन क्रिएट करते हो तो आप अपने रील्स के ऑडियंस रीच कर सकते हो, पोस्ट एंगेजमेंट रीच कर सकते हो, अपने अकाउंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक एंगेज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम अपने फेसबुक एड्स मैनेजर से कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट ओपन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे अपना ओपन कर रखा है। देन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे देन आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। लाइक ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये हम बना रहे हैं फर्स्ट कि हम अपने फेस इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक कैसे इंगेज करें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रैफिक पे क्लिक करना है। हम चाहते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक रीच हो, क्योंकि अगर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ट्रैफिक ज़्यादा रीच होगी देन हमारे कह सकते हो पोस्ट की इंगेजमेंट एंड रील्स भी हमारे वायरल हो सकते हैं। सो यहाँ पे हम ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मैनुअल पे जाएंगे एंड कंटिन्यू। सो जैसे ही मैं कंटिन्यू क्लिक करूँगा देन यहाँ पे हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे हम रख लेते हैं कि ये जो हमारा होने वाला है इंस्टाग्राम कैंपेन होने वाला है, तो इंस्टाग्राम कैंपेन, बिकॉज यहाँ पे जो हम करने वाले हैं सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए कैंपेन क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम रख लिया है। देन नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि एड सेट नेम क्या रखने वाले हो, तो आपको यहाँ पे एड सेट नेम जो है वो सिंपली यहाँ पे आपको रख लेना है। एड सेट नेम या फिर इंस्टाग्राम रख सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एडिट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे एड सेट रख रहा हूँ न्यू ट्रैफिक एड सेट, बिकॉज मैंने यहाँ पे जो इसका कैंपेन का नेम है वो इंस्टाग्राम कैंपेन रख दिया है। देन यहाँ पे मैं आने वाला हूँ, यहाँ पे जैसे वेबसाइट आ रहा है, मैसेंजर आ रहा है, व्हाट्सअप एंड कॉल्स आ रहा है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ वेबसाइट के ही ऊपर, बिकॉज ट्रैफिक मुझे यहाँ पे चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेंड ट्रैफिक ऐप आ रहा है बट अभी ये डिसेबल है। सो यहाँ पे मैं मैसेंजर पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मैसेंजर के आने के बाद यहाँ पे जैसे मेरे पास आ रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स, देन मैक्सिम डेली यूनिक रीच। सो मैं डेली यूनिक रीच पे क्लिक करने वाला हूँ। देन यहाँ पे मैं आने वाला हूँ मैसेंजर के ऊपर, जैसे यहाँ पे या व्हाट्सअप या कॉल्स ये आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं वेबसाइट ही रखूँगा एंड वेबसाइट के बाद यहाँ पे मैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स की जगह मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच रखना चाहूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि रीच हो अभी। ओके, सो यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊँगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे सेम मैं रीच पीपल पे क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे जो मुझे इंटरेस्ट रखना है वो ये एंड मैनुअल्स एंड यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम से चाहिए। सो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम रख रहा हूँ ओनली। ओके, सो ये मेरा इंस्टाग्राम ओनली हो गया है। देन यहाँ पे मैं आऊँगा ऊपर और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, जैसे डेली यूनिक रीच चाहिए मुझे वेबसाइट के ऊपर। सो एंड मैंने जो यहाँ पे रखा है डेली यूनिक रीच। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे रखना है नीचे, यहाँ पे जैसे देख सकते हो जो यहाँ पे एज क्राइटेरिया है वो 18 से 65+ है। सो हम इंस्टाग्राम के लिए एड बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं 45 कर सकता हूँ, बिकॉज या 40 जो 18 से 40+ ऑडियंस है उनके लिए जो मेरा अकाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा सही है एंड वो देख सकते हैं एंड उनके लिए ये जो कंटेंट भी जो भी होगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, सो ये एंड मैं यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम डाल देता हूँ मैं इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम से रिलेटेड जैसे आ जाएगा कि जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड है। ओके, सो मैं इन्हें ही दिखाना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, बिकॉज इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ऑडियंस है। ओके, सो मैं यहाँ पे और कोई ऑडियंस नहीं लेना चाहता एंड इंस्टाग्राम ही मैंने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रीच होने वाली है मुझे 36K से 103K, इतनी रीच होने वाली है मुझे कितने में,
ओनली 200 रुपीज़ में। तो आप देख सकते हो अगर इतना रीच अगर आपके अकाउंट पे होगा तो आप समझ सकते हो कि आपके अकाउंट पे कितने ज़्यादा ऑडियंस पहुँचेगी, एंड कितने ज़्यादा ऑडियंस अगर उनको अगर आपका प्रोफाइल बेटर लगता है तो फॉलो भी कर सकती है, मैसेज कर सकती है, एंगेज कर सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, बिकॉज़ मैंने यहाँ पे पैन इंडिया के लिए रखा है। आप चाहो तो स्पेसिफिक किसी लोकेशन के लिए कर सकते हो, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे लोकेशन इंडिया रखा है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग ऑडियंस चेंज कर सकते हो, सॉरी लोकेशन चेंज कर सकते हो, लाइक एडिट करके। आप यहाँ पे चाहो तो अगर सिर्फ मुंबई चाहते हो तो मुंबई इंड, या फिर दिल्ली, या फिर नोएडा, या हैदराबाद, बेंगलोर, या कर्नाटक, महाराष्ट्र, किसी भी जगह के लिए आप रख सकते हो। बट मैं यहाँ पे पैन इंडिया चलाना चाहता हूँ तो पैन इंडिया कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपल मुझे यहाँ पे पूछ रहा है एड नेम क्या रखने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे कोई मैं एड नेम नहीं रखने वाला हूँ, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टाग्राम कैंपेन रख दिया है। देन नीचे आएंगे, नीचे हम अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ गोराजू डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, या फिर आप सर्विस लेना चाहते हो, या फिर आप वन-टू-वन सेशन लेना चाहते हो, या फिर आपके कुछ डाउट्स हैं उसके लिए सेशन लेना चाहते हो, तो आप मुझसे अभी कनेक्ट कर सकते हो एंड वन-टू-वन सेशंस के लिए। एंड जो भी आपका डाउट होगा वो आपका उस सेशन में क्लियर हो जाएगा। देन आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद मैनुअल अपलोड आ रहा है। सो मैं यहाँ पे मैनुअल अपलोड रखूँगा एंड सिंगल इमेज और वीडियोस क्राउजल कलेक्शन। सो मैं यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियोस रखने वाला हूँ। एंड मैं यहाँ पे एक अपनी अच्छी सी इमेज रख लेता हूँ, लाइक जिसपे ऑडियंस रीच अगर हो तो अट्रैक्ट हो, ताकि ऑडियंस मेरे प्रोफाइल पे विजिट भी करे। ओके सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, लाइक यहाँ पे डाल देता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा यूज़र्स को ज़रूरत होती है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की, एंड कुछ लोग सीखना भी चाहते हैं, तो मैं वो भी देख लेता हूँ। सो यहाँ पे मुझे उस अकॉर्डिंग कुछ मिल नहीं रहा है। सो मैं अपने इंस्टाग्राम इमेजेस पे या फिर रिकमेंड इमेजेस पे चलता हूँ, क्योंकि जिस पे मैंने ऐड चला रखी है उस पे काफ़ी ज़्यादा मेरे पास हो सकता है एंगेज पहले से हो, एंड अगर मैं वो चलाऊँ तो दोबारा से मेरे पास एंगेजमेंट आ जाए। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड आ रहा है, तो ये देख सकते हो ये पोस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। सो मैं ये क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग भी लग रहा है मुझे। सो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ऐसे, ताकि प्रॉपर इमेज दिख सके मुझे यहाँ पे। एंड नेक्स्ट, एंड यहाँ पे अलाउ इन्हेंसमेंट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंड डन। सो यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा है वो 6 प्लेसेस पे अभी होगा। ओके सो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, जैसे ऐड म्यूजिक अगर मैं चाहूँ तो ऐड म्यूजिक भी कर सकता हूँ अपने स्टोरीज के लिए। सो मैं यहाँ पे ऐड म्यूजिक पे भी क्लिक करता हूँ एंड सिलेक्ट म्यूजिक, बिकॉज यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए करें तो इतना फीचर्स तो बनता है। लाइक यहाँ पे मैं कोई ऑडियो ऑन करके दिखा देता हूँ। ओके सो यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रैक्स आ रहे हैं। सो ये देख सकते हो ये, और ये सॉन्ग मैं रखना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्न मोर डिजिटल मार्केटिंग, लर्न मोर डिजिटल मार्केटिंग। सो मैंने इतना ही रखा है। एंड इसके बाद जैसे चैट विथ अस आ रहा है, सो यस चैट विथ अस मेरे साथ कर सकते हैं वो। एंड लर्न मोर, या लर्न मोर के लिए मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे कोई सर्विस नहीं सेल कर रहा। ओके सो मैं यहाँ पे लर्न मोर रखूँगा बिकॉज, और ना कोई मैं वीडियो रख रहा हूँ, तो ये देख सकते हो ये इंस्टाग्राम फीड पे दिखने वाली है। ओके सो यहाँ पे एडिट इन्फो लेवल्स आ रहा है, सो ये भी आप देख सकते हो, लाइक सिलेक्ट फ्री डिलीवरी, पेमेंट ऑप्शन, रिटर्न पॉलिसी। सो ऐसा कुछ यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसे कैंसिल ही रखता हूँ। ओके सो यहाँ पे नीचे आते हैं, देन ये मुझसे यूआरएल पूछ रहा है, तो यहाँ पे मुझे वेबसाइट यूआरएल नहीं डालना, मुझे यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का यूआरएल डालना है। लाइक मैं डाल देता हूँ यहाँ पे इंस्टाग्राम, मैंने यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है।
यहाँ पे ये मुझसे सिक्योरिटी कोड मांग रहा है। तो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी कोड फिल कर दिया है, देन कंफर्म। ये जैसे ही कंफर्म होगा मेरा इंस्टाग्राम ओपन अकाउंट हो जाएगा। सेव इन्फो मैं सेव कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे टर्न ऑन, एंड मैं यहाँ पे अपने पेजेस को देख लेता हूँ, लाइक मोर। एंड स्विच अकाउंट यहाँ पे भी आ रहा है मेरे सामने, स्विच अकाउंट। सो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, सो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एक बार। गो राजवीर। सो ये मैंने डाल दिया है गो राजवीर करके। ये देख सकते हो यहाँ पे मेरा पेज ओपन हो गया है। देन मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी। सो मैंने यहाँ पे डाल दिया है लिंक, और लिंक डालने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना। और ये करने के बाद मुझे यहाँ पे पब्लिश कर देना है। मैं जैसे ही यहाँ पे पब्लिश करूँगा, देन आप देखोगे कि जो मेरा कैंपेन है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। एंड यहाँ पे अब जो मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट पे रीच होने वाली है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो मेरे पास 103K तक रीच हो सकती है, मतलब 1 लाख तक ऑडियंस रीच हो सकती है। लाइक देख सकते हो, 35,000 से लेके 1 लाख ऑडियंस तक रीच हो सकती है ओनली 200 रुपीज़ में। तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हो, एंड काफ़ी ज़्यादा बेस्ट कैंपियन हो सकता है आपके लिए। अगर आप भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट रीच करना चाहते हो एंड फॉलोअर्स इंक्रीज करना चाहते हो, तो ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, एंड आप भी अब अपना कैंपेन क्रिएट करोगे इस वीडियो को देखने के बाद, एंड अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की रीच भी इंक्रीज करोगे। एंड अगर कोई इश्यू आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो अपने ड्रॉप डाउन में।